दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की, और क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में आज हम जो देख रहे हैं वो है क्लास 12th बायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट की फोर्थ चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन हेल्थ। WHO कहता है कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ है तो उसे ही स्वस्थ माना जाना चाहिए। रिप्रोडक्शन हेल्थ का तात्पर्य क्या है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। तो चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। यहाँ पर देखिए उन्होंने पहले ही दे दिया जनसांख्यिकी, और जनसांख्यिकी मीन्स होता है डेमोग्राफी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डेमोग्राफी। दूसरा प्रश्न देखिए, ट्यूबेक्टोमी का उद्देश्य। ट्यूबेक्टोमी मतलब महिला नसबंदी। महिला नसबंदी मीन्स महिलाओं के ओविडक्ट को काटकर बांध देने की प्रक्रिया ही ट्यूबेक्टोमी कहलाती है, और ट्यूबेक्टोमी का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है निषेचन की क्रिया को रोकना। तीसरा, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है? और इसका सही जवाब है जैविक इंडेक्स। इसके बाद चौथे प्रश्न की बात करें, मुखी गर्भ निरोधक में होता है, मुखी गर्भ निरोधक में कौन सा हार्मोन होता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोजेस्टेरॉन। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पुरुष से संबंधित है? कौन पुरुष से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी या जिसे हम पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिफिलिस रोग होता है। सिफिलिस रोग जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, और इसके जीवाणु का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसका आंसर क्या होगा? ट्रिपोनिमा पैलिडम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है। जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है बाल्यावस्था के 8 से 10 सप्ताह में, कई जगह पर 15 से 20 सप्ताह भी लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में सिफिलिस एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है। एड्स बीमारी में HIV खालिस्तान कोशिकाओं को नष्ट करता है। HIV प्रतिरक्षी कोशिकाओं को नष्ट करता है। इम्यून सिस्टम को यह प्रभावित करने का कार्य करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में प्रारंभ किया गया, ठीक है। जनसंख्या पर निबंध माल्थस के द्वारा लिखा गया है। जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा लिखा गया? माल्थस के द्वारा लिखा गया है। जैव सूचकांक यहां ऊपर में ही दिया है, जैविक इंडेक्स। अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणित 1000। इसे ही जैव सूचकांक के रूप में इंडिकेट किया गया है। देखिए यहां पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया कि मैंने वो जो प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं आप लोगों तक दिखा नहीं पाया पूरी तरह से। इसको एक बार फिर से देखिए, सिफिलिस एक जीवाणु जनित रोग है। एड्स बीमारी से HIV प्रतिरक्षी कोशिकाओं को नष्ट करता है, लिम्फोसाइट सेल्स को नष्ट करता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1951 में शुरू हुआ था। इसके बाद जनसंख्या पर निबंध माल्थस के द्वारा लिखा गया, और जैव सूचकांक बराबर होता है जन्म दर बटे मृत्यु दर गुणित 1000। इसके बाद सही जोड़ी, अगर आप सही जोड़ी को देखें तो यहां पर माल्थस, माल्थस का भी प्रश्न आया था, तो ये जनसंख्या पर निबंध। वैसेक्टोमी पुरुष नसबंदी से संबंधित है। ट्यूबेक्टोमी स्त्री या जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड है। जनगणना जिसको सेंसस भी कहा जाता है, और एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस जो है वो लिंग परीक्षण की एक विधि है। इसके बाद और प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम। इसके बाद जो प्रश्न है उन प्रश्नों की बात करें तो पहला, दो ऐसे कारण दीजिए जिसमें जनसंख्या अनियमित रूप से बढ़ रही है। अनियमित रूप से बढ़ रही है, बहुत सारे कारण हैं इसके। इनमें से एक कारण लिख सकते हैं अशिक्षा, और दूसरा कारण लिख सकते हैं आप अंधविश्वास। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल इन्हीं कारणों को लिखे, और भी कारणों को आप लिख सकते हैं। IUCD का पूरा नाम लिखिए। IUCD का पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा। इसका अध्ययन जनसांख्यिकी
या डेमोलॉजी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। इसके बाद माला डी और माला एन में कौन सा रासायनिक गर्भ निरोधक पाया जाता है? तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है? परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का मैं आपके लिए आंसर छोड़ के रख देता हूं कि इसे आपको ढूंढना है और कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। इसके बाद देखें, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआर कहां पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है लखनऊ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आईयूसीडी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, गर्भाशय के अंदर फिट की जाने वाली युक्तियां हैं जो कि गर्भ निरोधक के साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है। एसटीडी, एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है, यौन संचारित रोग। इसके बाद एचवाई, एचआईवी, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसके बाद एक आ गया है एड्स, एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, केवल एक को छोड़कर, परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखें और बताएं कि परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। पर आते हैं, तो चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का हम अध्ययन देखें। सबसे पहला प्रश्न है, चिकित्सीय गर्भ समापन किसे कहते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एमटीपी किसे कहते हैं? तो इसके आंसर देखें कि गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय संगर्भता समापन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले ही जानबूझ करके या स्वैच्छिक रूप से गर्भ का समापन चिकित्सक की सलाह पर किया जाए, तब हम इसको मेडिकल टर्मिनेंसी या प्रेगनेंसी कहते हैं। जनरली होता यह है कि अगर मान के चलिए किन्हीं कारणों से गर्भ में पल रहा भ्रूण में एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाए, असामान्यता उत्पन्न हो जाए, तब इस तरह की स्थिति को अंजाम दिया जाता है। लेकिन कई बार अनचाहे गर्भ का समापन करने के लिए भी इस विधि को अपनाया जाता है। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में एमटीपी को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। आगे देखें कि गर्भावस्था की पहली तिमाही में अर्थात गर्भधारण के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय गर्भ समापन अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद दूसरी तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आईवीएफ तकनीक को स्पष्ट कीजिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का पूरा नाम क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस विधि में अंडाणु का निषेचन शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थिति में कराया जाता है। इसके पश्चात स्त्री में भ्रूण का स्थानांतरण कराया जाता है। देखिए, जब कोई महिला में निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती, तब ऐसी अवस्था में आर्टिफिशियल रूप से शरीर के बाहर लेब में, प्रयोगशाला में अंडाणु का निषेचन शुक्राणु से कराया जाता है, और उसके पश्चात जो जायगोट बनता है या भ्रूण बनता है उसका स्थानांतरण माता के गर्भाशय में किया जाता है। तो आईवीएफ तकनीक के अंतर्गत आने वाली विधियों में गिफ्ट, आईयूटी, टेस्ट ट्यूब बेबी आदि शामिल है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, आईयूसीडीएस से क्या तात्पर्य है? या जिसे अंतर गर्भाशय निरोधक युक्तियां कहा जाता है, इसके अंतर्गत ऐसी युक्तियों को शामिल किया गया है जिन्हें गर्भाशय में रखकर निषेचन क्रिया को रोका जाता है। यहाँ पर निषेचन की क्रिया को रोका जाता है। इनमें मुख्य रूप से लूप एवं कॉपर टी जैसी युक्तियाँ शामिल हैं। भाई गर्भधारण नहीं करना है, तब ऐसी अवस्था में इन युक्तियों को गर्भाशय के अंदर धारण करके गर्भधारण से बचा जा सकता है। इन युक्तियों में नॉन मेडिकल आईयूडी,
जैसे लिपेस लूप शामिल है। वहीं पर दूसरी तरफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर टी, कॉपर सेवन, मल्टीलोड 375 कॉपर टी शामिल है। वहीं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में प्रोजेस्टाट, स्टासर्ट, एलएनजी 20 शामिल है। यहाँ पर आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉपर टी और लूप के डायग्राम दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। तो जन्म दर और मृत्यु दर डेमोग्राफी के अंतर्गत हम इसका बहुत आसानी के साथ अध्ययन करते हैं। तो जन्म दर को देखें, किसी जनसंख्या के अंतर्गत नई संततियों की उत्पत्ति दर को जन्म दर कहते हैं। किसी जनसंख्या के अंतर्गत नई संततियों की उत्पत्ति दर को जन्म दर कहते हैं, या किसी भी जनसंख्या की वृद्धि की स्वाभाविक क्षमता होती है। और मानव समुदाय में इस स्थिति में सामान्यतः प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न नए सदस्यों की संख्या के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। 1000 पुरुषों के द्वारा प्रतिवर्ष कितनी संतान उत्पन्न की गई, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं पर मृत्यु दर की बात करें, इसके जस्ट अपोजिट होता है। किसी जनसंख्या की मृत्यु दर इकाई समय में मरने वाले जीवों की आवश्यक संख्या होती है। इसे भी सामान्य जन्म दर के समान किसी जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों के ऊपर मरने वाले जीवों की संख्या। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, गर्भनिरोधक गोलियों में उपस्थित हार्मोन के नाम लिखिए। गर्भनिरोधक गोलियों की बात करें तो माला डी, माला एन जैसे गर्भनिरोधक गोलियों की बात होती है, जिन्हें मुखी गर्भनिरोधक गोलियां भी कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। अभी तक हमने जो पांच क्वेश्चन देखे हैं वो क्वेश्चन दो नंबर के थे। अब हम बात करते हैं तीन नंबर के प्रश्नों के। समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार रखें। कोई तीन विचार आपको रखने हैं तो मैं यहाँ पर तीन बातों जनन स्वास्थ्य से संबंधित उसके लाभ के बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर मान के चलिए हमें जनन स्वास्थ्य के बारे में पता होता है तो क्या होगा कि जनन स्वास्थ्य समाज में विभिन्न यौन संचारित रोगों को फैलने से रोकने का भाई जब जानकारी हो जाएगी तो किस प्रकार से एसटीडी को रोका जा सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को रोका जा सकता है में जागरूकता आएगी। दूसरी बात, अच्छे जनन स्वास्थ्य वाले लोग अच्छी संगति, अच्छी संतति उत्पन्न करते हैं। यहाँ संगति लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संतति ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न करते हैं जिनकी उत्तरजीविता की बेहतर होती है, जिनकी उत्तरजीविता बेहतर होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, बेहतर यौन शिक्षा एवं जागरूकता न केवल जनसंख्या के संपोषण में सहायक होते हैं अपितु जनसंख्या विस्फोट रोकने का भी कार्य करता है। ठीक है, इसके एक और सबसे महत्वपूर्ण बात हम करें तो जनन स्वास्थ्य के द्वारा हम अपने शरीर के जनन अंगों की स्वच्छता किस प्रकार से रखनी चाहिए, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट के तीन कारण लिखिए। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या में अनायासी अचानक होने वाली वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। और जनसंख्या विस्फोट के बहुत सारे कारण हैं, आपको कोई तीन कारण लिखना है, मैंने यहाँ पर सात कारण लिखा हुआ है। पहला है जन्म दर में बढ़ोतरी, मृत्यु दर में कमी, प्रजनन दर का उच्च होना, कम उम्र में विवाह तथा कम उम्र में ही जन्म की दृष्टि से परिपक्व होना, निम्न सामाजिक स्तर, अशिक्षा का होना या अंधविश्वास का होना। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए, ट्यूबेक्टोमी एवं वैसेक्टोमी को स्पष्ट कीजिए। देखिए ट्यूबेक्टोमी या जिसको हम महिला नसबंदी भी कहते हैं, महिलाओं में फेलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। अब आप ये देख सकते हैं ये डायग्राम दिया हुआ है और इस ये अगर आप देखें तो ये जो नलिका है ये है ओविडक्ट और इसी ओविडक्ट को काटकर बांध देने की जो प्रक्रिया होती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, इसे महिला नसबंदी भी कहा जाता है। वहीं पर देखें दूसरे वैसेक्टोमी, पुरुषों के शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाना वैसेक्टोमी कहलाता है, इसे पुरुष नसबंदी भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो शुक्राणु नलिका है, वैस डिफरेंस है, इसको काटकर बांध दिया गया है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी कहा जाता है। सामान्य तौर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमनियोसेंटेसिस क्या है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रकार की तकनीक है, भ्रूण परीक्षण की तकनीक है जिसमें सर्जिकल सुई के द्वारा माता के गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाता है और एमनियोटिक द्रव में उपस्थित फोइटस सेल का संवर्धन किया जाता है और इसका गुणसूत्री परीक्षण
करके विभिन्न रोगों का पता लगाया जाता है। जैसे अगर मान के चलिए कोई गुणसूत्री असामान्यता उत्पन्न हो गई है तो इसका पता लगाया जा सकता है, या मेटाबॉलिक इरेगुलरिटीज उत्पन्न हो गई तो उसका पता लगाया जाता है। साथ ही आजकल इस तकनीक का जो उपयोग है वो गलत तरीके से किया जा रहा है और भ्रूण की लिंग जांच में इसका उपयोग किया जाता है, अतः भारत में इस पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन चोरी छुपे ये कार्य चलते रहता है। एमनियोसेंटेसिस, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर भ्रूण है, यहाँ पर सर्जिकल सुई की सहायता से इसके चारों ओर पाए जाने वाले एमनियोटिक फ्लूड को निकाला जाता है। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या विद्यार्थियों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों? ये बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन हेल्थ से जुड़ा हुआ है। प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है ताकि छात्र छात्राओं को यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली हुई भ्रांतियां एवं यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा दिलाया जा सके। बच्चों को उनके जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों एवं एड्स की जानकारी देना विशेष रूप से किशोर आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होता है। इसी कारण से ये कहा गया है कि ये स्कूलों में इसकी शिक्षा दिया जाना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों की चपेट में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए? तो कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, देखिए, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी अन्य व्यक्ति को ना चढ़ाया जाए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले से उपयोग किए गए इंजेक्शन या सुइयों का उपयोग ना करें। समलैंगिकता से बचें, साथ ही लैंगिक संपर्क बनाते समय कंडोम का इस्तेमाल करें। ये कुछ बातें हैं जिससे कि यौन संचारित रोगों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि हमने 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करूंगा कि ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के अंतर्गत। अब हम आने वाले समय में यूनिट 2 के ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।